बैक टू द मैथ वॉरियर्स। यू देखिएगा, इंडिया पोस्ट जीडीएस का रिजल्ट आ गया। मैंने आपसे कुछ बातें बताई थी दोस्तों कि कम से कम ये 4 से 5 हज़ार सीटें बचा के ले जाएंगे, और ये कैसे बचा रहे वो समझे। इस बार जो लिस्ट आई टोटल मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या है, क्या चीज़ें हैं, है ना। मैं अपने आप को ऊपर करता हूँ, देन आपको समझ। वेस्ट बंगाल के 155, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में 1506 हैं, ठीक है। तेलंगाना में 175। फटाफट से लिखा है यार ये सब कैलकुलेशन की, तुम्हें कोई यूट्यूबर नहीं बताने वाला, और ये वीडियो फर्स्ट ड्राइव वाले भी देखें। राजस्थान का 594, पंजाब, ये सारी चीज़ें देखिएगा आपके सामने, सब कुछ धीरे धीरे देखिएगा, ठीक है। ये कर्नाटक का है 646, जम्मू कश्मीर के 88 लोग पास हुए, 1166 लोग बिहार के पास हुए, और टोटल इतने बच्चों का रिजल्ट आया 7370 बच्चों का रिजल्ट आया है। अब समझो ये सीटें बचा कहाँ ले गए वो मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से क्या है, समझना दोस्तों चीज़ों को। ये देखिएगा, इसमें से जो डीवी होगी, ठीक, उसमें ये बचा के ले जाएंगे कम से कम 2 से 2500 या 3000 मान लेता हूँ, 2500, ठीक है। ऊपर से जो फोर्थ लिस्ट की सेकेंड डीवी अभी होनी है उसमें भी बच्चे नहीं जाते हैं कई, तो लगभग जो मेरा अंदाज था कि 3500 से 4000, ठीक है। मैं हमेशा बोलता रहा कि 3500 से 4000 सीटें ये बचा के ले जाएंगे, और यही अंतिम लिस्ट है। इस बात को भी बहुत अच्छे से समझ लो, और फर्स्ट ड्राइव वाले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सबसे तेज सबसे सटीक ये पूरा मैंने डेटा लिखा है, जितने भी राज्य हैं आपके, जितने राज्य का आज रिजल्ट आया है सब कुछ आपको दोस्तों बता दिया आपकी स्क्रीन पर। और ये PDF अगर आपको चाहिए हो जिसमें आपको डेटा अगर देखना हो तो देख सकते हैं। टोटल 7370 बच्चों का रिजल्ट आया है फिफ्थ लिस्ट में, इसमें कम से कम 2500 बच्चे की सीट खाली जाएगी, और फोर्थ लिस्ट की जो सेकेंड डीवी होनी है उसमें भी सीटें खाली जाएंगी। इस तरीके से ये 3500 से 4000 सरकार बचा के ले गई, जो कि एक गलत है, बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। लेकिन अब लिस्ट नहीं आएगी क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है कि 30 जून तक ही लिस्ट आएगी। उम्मीद करता हूँ बातों को समझिए, जुड़ गए मैं तो के साथ, मिलते अगले वीडियो में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लो जहाँ पर सारी PDFs दोस्तों ये डली हुई है।